हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ, और आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, घर के सारे काम हो गए ख़त्म और मैं लग गई हूँ पूजा पाठ में। आज है पूर्णिमा का दिन और घर की सारी साफ सफाई और जितने भी साफ सफाई होती है ना, जो सावन की पूर्णिमा है उस दिन का ये व्लॉग है। और मैं लग गई थी सुबह से, मतलब पूर्णिमा के एक दिन पहले ही मैंने पूरा किचन वगैरह साफ किया, रूम, मतलब जितना भी काम होता है, जहाँ तक मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, तो मैंने वो सारा चीज़ क्लीन कर दिया। और यहाँ पे हो रहा था मेरा सुबह का पूजा पाठ अभी, क्योंकि हमें जाना था कॉलेज और इस वजह से हम थोड़ा पहले ही जो है ना, 2-3 दिन पहले ही साफ़ सफाई कर लिए थे। और अभी हम चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा पाठ। यहाँ पे हो गया है मेरा सुबह का पूजा पाठ और घर में मैंने पूजा कर लिया। अब मैं चलूँगी पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने के लिए। जितने भी पूजे के सामग्री होते हैं ना, दीपक वगैरह, वो सारा चीज़ मैंने ले लिया था। और अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, जो मेरे घर के जस्ट बगल में है। बड़हमदेव बाबा का जो पेड़ है वहाँ पे बगल में ही पड़ता है, तो हम यहाँ पे आराम से पूजा कर लेते, कोई भी परेशानी नहीं होती है पूजा पाठ करने में। और जाके फिर बहुत ही सवेरे वाला टाइम हो रहा है अभी, 6:30 या 6:45 हो रही होगी। घर के सारे काम ख़त्म करके नहा धो के पूजा पाठ मेरा हो रहा था, क्योंकि मैं आज बहुत ही जल्दबाजी में हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कॉलेज, कॉलेज में कुछ काम है मुझे, और बहन भी आई हुई है तो हम दोनों साथ चलेंगे, तो वो भी अपना कुछ कुछ कर रही होगी और मैं भी, मतलब दोनों बहन को जो समझ में आता है ना, हम दोनों मिलजुल कर कर लेते हैं जब वो रहती है तो। और फिर यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया था, फिर मैं घर आई, जल्दी जल्दी से मैंने रोटी बना लिया, तब जाके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मैं इधर कद्दू की सब्जी छौंक दी हूँ जीरा और मिर्च से, जो सूखी लाल मिर्च होती है उसी से मैंने छौंक लगा दिया है। और मन होगा तो फिर लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालूंगी या तो नहीं भी डालूंगी। वैसे भी कद्दू की सब्जी आप फोरन पे ही बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, दोनों तरफ से अच्छा ही लगता है। और फिर यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय चढ़ाया हुआ है, क्योंकि चाय तो वैसे सवेरे बन जाता है, सबसे पहले चाय ही हमारे घर का रूटीन है। लेकिन आज क्या है ना कि शनिवार के दिन हमारे पति देव, सासू माँ सब लोग पूजा पाठ करते हैं, तो बिना चाय पिए हुए करते हैं, तो इसलिए मैं चाय बाद में बना रही थी। और यहाँ पे मैं आराध्या को नहा धोवा के रेडी कर दी हूँ, इसे भी भेज रही हूँ, अपना स्कूल जाएगी। और दिव्यांशी बाबू को भी नहला करके यहाँ पे बैठाई हूँ, तो अभी हम उसे भी फटाफट से रेडी करेंगे। तो चलिए आराध्या को, अब आराध्या गई और मैं अब इसकी मालिश मसाज जो भी होता है वो सारा मैं कर लेती हूँ। घर में बहुत ऐसे काम होते हैं, कुछ छोटे बड़े, कुछ जो मेरे से रिकॉर्ड हो पाता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, और जो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है तो वो मैं आप लोगों से शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। और जाके जब मैं कॉलेज वगैरह करती हूँ ना, तो उस दिन मैं सिलाई पे तो बैठती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं भाग दौड़ के चक्कर में थक जाती हूँ पहले ही, तो फिर मैं सिलाई पे बैठ नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं दिव्यांशी बाबू को रेडी कर रही हूँ। पता नहीं दिव्यांशी को मैं दिन भर में कितना कपड़ा चेंज करती हूँ, इतना ज़्यादा ये बदमाशी करने सीख गई है ना। और इसका चुटिया देखिए कितना अच्छा से बंध जाता है। वैसे तो इसके बचपन से ही बड़े बड़े बाल हैं, तो पहले मैं नहीं बांधती थी, क्योंकि बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे के सर थोड़े से दर्द वगैरह देने ना लगे इसीलिए। और अभी देखिए ये इतना बदमाश है ना कि अपनी चुटिया भी खोल लेती है खुद से ही ऐसे। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन बनाई हुई है जो कच्चू के पत्ते के पकौड़ी, जो कि बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, वही बनाई थी। मैं बाकी कामों में लगी हुई थी। और मैंने बताया ना कि सावन का महीना चल रहा है, और सावन से 1-2 दिन पहले ही मैंने घर की पूरी सफाई की थी, रूम की, किचन की तो मैंने क्या ही बताऊँ, कोने कोने साफ कर डाला, जितने भी डब्बे थे मेरे, नमक, हल्दी, बाकी वह जितने भी डब्बे थे मैंने सारे, कुछ तो मैंने ऐसे अजवाड़ के जो सारे निकाल निकाल के साफ़ किया, और कुछ मैंने ऊपर से ही साफ़ किया।
और यहाँ पे पति देव मेरे पूजा पाठ करके लेटे हुए थे, तो मैंने इनको चाय दिया और ये ना ऐसे लेटे हुए थे, तो फिर मैं कह रही थी कि उठ जाइए चाय पी लीजिए, उसके बाद मैं चली आई अपने कामों में वापस से। मेरा नाश्ता हो गया था, चाय बनाने के बाद सब लोगों को मैंने चाय पिलाने के बाद नाश्ता निकाल दी थी, सब लोग नाश्ता कर लिए, मैं भी जैसे मैंने जल्दबाजी में नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर दोबारा आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं भी बनाऊँगी दोपहर का खाना, और इधर मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी। तो फटाफट से हम आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल बना लेते हैं, ताकि मैं जब कॉलेज जाऊँ तो आराम से जा सकूँ, फिर मुझे कोई टेंशन ना रहे। और मैं ना बाहर जाती हूँ ना कॉलेज वगैरह या बाज़ार दोपहर के टाइम में, तो अक्सर है ना कि मेरे सर में दर्द आना ही आना है धूप के वजह से, क्योंकि धूप तो इतना तेज सवेरे सवेरे ही आ जाता है, गर्मी भी उतना काफ़ी तेज, और बीच में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी चल रहा था जिसकी वजह से मैं व्लॉग वगैरह भी नहीं डाल पा रही थी, और कुछ कुछ प्रॉब्लम भी जो होता है ना तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे मैं लगता है कि ऐसे आराम से बैठी रहूं और कुछ ना करूं, बस ऐसे ही जो घर का काम जैसे तैसे होता है बस वही सारा करती रहूं, अलग का कोई दिमाग ही नहीं लगा पाती हूँ। और यहाँ पे मेरा खाना हो गया था। बदमाशी देखिए दीबू का चल रहा है, इसका बदमाशी दिन भर जारी रहता है। यहाँ पे मम्मी कर रही है सिलाई और दीबू जो है ना पैडल पे पैर रखती है, जब मम्मी पैडल को ऊपर नीचे करती है ना तो इस पर दोनों पैर रख करके और मतलब मस्ती करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है जब पैडल ऊपर नीचे होता है ना, तो उसको बड़ा खुशी होती है और बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय करती है उस चीज़ को। और यहाँ पर हम दोनों बहन रेडी सेडी होकर के निकल गए हैं कॉलेज के लिए, हम लोगों ने टोटो ले ली है, और यहाँ पे फटाफट से जो कॉलेज के मेरी काम है कुछ फॉर्म वगैरह फिल करना था वो मैंने किया, क्लास किया, और ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता है कॉलेज वगैरह में वीडियो वगैरह शूट करना बनाना, इसलिए मैंने हल्का सा बस आप लोगों से शेयर किया कि हाँ कॉलेज गई, ये काम था वो काम था, बस फिनिश किया। और मैं जल्दी से आई वहाँ से, जल्दी से नहीं मतलब अपना काम ख़त्म करके, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़ा चेंज किया, और सबसे पहले ना मैं ऐसे बाल में क्लिप लगाई, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा गर्मी कि क्या ही बताऊँ। आके ही मैं आ करके बस कुछ खाया पिया भी नहीं, बस सो गई, ऐसे सोई भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मेरा सर में दर्द उठ रहा था, मैं थोड़ा लेट गई, लेटने के बाद फिर जाके उठी, थोड़ा बहुत खाना खाई, सब लोग खा पी लिए थे तब तक, और मेरी बहन ना खा पी करके बर्तन धो रही थी जब मैं उठी थी तो, और फिर मैं भी खाई, खाने के बाद दोनों रूम का बेडशीट वगैरह सेट किया और मैं चली गई, पूरे घर में झाड़ू कर दी, तब तक यहाँ बहन जो है ना बर्तन धो के धर मतलब रख दी थी, तो फिर मैंने ये बर्तन सारे सेट कर दिए और किचन की सफाई हो गई थी। और यहाँ देखिए शाम का टाइम हो रहा है, दिव्यांशी बाबू का फिर से तेल मसाज वगैरह जो होता है हल्का फल्का मैंने किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तेल मैं बहुत कम लगा रही हूँ इस समय, एक टाइम दो टाइम करती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, शाम का चाय बना रही हूँ, और इधर मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ही तेज़ है। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, मिलेंगे बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक ले टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, टेक केयर, मस्त रहिए, बिंदा।